तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें फ्री कोर्स प्रोवाइड करूंगी ऑन SEO कंटेंट राइटिंग। ये कोर्स इन लोगों के लिए है जिनको कंटेंट राइटिंग एकदम नहीं आती और दे आर लुकिंग फॉर सम वेज टू अर्न मनी राइटिंग। उसके अलावा ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जिनको थोड़ी बहुत कंटेंट राइटिंग आती है, वो 5-6 महीने से या 1 साल से ये काम कर रहे हैं बट दे स्टिल कांट मेक अ परमानेंट करियर इन दिस फील्ड। आज के इस कोर्स में हम हर चीज को डिटेल से समझेंगे, किस तरीके के कंटेंट राइटर्स की डिमांड है, SEO कंटेंट राइटिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ऑन पेज SEO क्या होता है, ऑफ पेज SEO क्या होता है, इंडस्ट्री की जो नीड है हम उसको समझेंगे। इस कोर्स को पूरा करने के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसके बाद तुम आराम से मिनिमम 20,000 rupees अर्न कर सकते हो डूइंग कंटेंट राइटिंग। और अगर तुम थोड़ी और मेहनत करो तो इस कोर्स को करने के बाद तुम्हारे 50,000 से 60,000 rupees पर मंथ कहीं नहीं गए हैं। उसके अलावा इस कोर्स में 7 modules हम हर एक मॉड्यूल को समझेंगे, देखेंगे क्या चीजें होती हैं, कैसे करनी है और एंड में आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल कि तुम्हें एक आर्टिकल को कैसे लिखना होता है, उसको SEO ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू SEO एंड कंटेंट राइटिंग। इसमें हम SEO समझेंगे, रोल ऑफ कंटेंट इन SEO समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ SEO इन डिजिटल मार्केटिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंटेंट, हाउ टू सपोर्ट SEO स्ट्रेटजी समझेंगे। सेकंड मॉड्यूल है कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। इसमें हम व्हाट आर कीवर्ड समझेंगे, टाइप ऑफ कीवर्ड समझेंगे, कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए कौन से टूल का यूज करा जाता है जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर, SEMrush, RFs, ये सारे टूल्स को कैसे यूज करना है हम वो समझेंगे, साथ साथ इन टूल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। इसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, हम कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर देते हैं, उसकी हेडलाइंस हेडिंग्स कैसे लिखनी है, कंटेंट को SEO फ्रेंडली कैसे बनाना है वो सारी चीजें समझेंगे, कीवर्ड की डेंसिटी क्या रहेगी, प्लेसमेंट क्या रहेगा वो सब समझेंगे। उसके बाद हम अपने कंटेंट में कैसे इमेजेस डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, उनको कैसे SEO बनाएंगे वो सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ मॉड्यूल है ऑफ पेज SEO स्ट्रेटजीज का, जिसमें हम लिंक बिल्डिंग के बारे में समझेंगे, कैसे बैकलिंक्स बनाने हैं अपने कंटेंट को, कैसे प्रमोट करना है, सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज फॉर SEO, गेस्ट ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर आउटरीच के बारे में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मॉड्यूल 5 जो कि टेक्निकल SEO बेसिक्स है। बेसिकली जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या जो वेबसाइट रन करते हैं उनके लिए ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कंटेंट राइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम वेबसाइट स्ट्रक्चर समझेंगे, SEO समझेंगे, देखेंगे कि हमें वेबसाइट को कैसे स्ट्रक्चर करना है और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, यानी कि अपने आर्टिकल को मोबाइल ऑप्टिमाइज कैसे बनाना है। और एंड में हमारा मेन मॉड्यूल आएगा जिसमें हम समझेंगे हाउ टू राइट एन SEO ब्लॉग पोस्ट, रिसर्च एंड प्लानिंग, राइटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीजें, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, इन डिटेल समझेंगे। तो ये हो गई हमारे मॉड्यूल्स की बात, अब हम इन मॉड्यूल्स को वन बाय वन इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहला व्हाट इज SEO? SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट एंड कंटेंट टू इंप्रूव इट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। द प्राइमरी गोल ऑफ SEO इज टू इंक्रीज ऑर्गेनिक नॉन पेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट बाय मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ। सपोज अगर तुम कल लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो तुम गूगल पे क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया और बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000। गूगल को कैसे पता चलेगा कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये आर्टिकल लिखा है, जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज पे बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 लिखा है। उसको ये चीज पता चलती है तुम्हारे दिए गए आर्टिकल में ये कीवर्ड की वजह से। अगर तुम बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 अपने आर्टिकल में नहीं डालोगे तो गूगल को समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा आर्टिकल किस चीज पे है। और इसी को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और राइटिंग SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000। तो ये हमें काफी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे दिखने लगी। ये वेबसाइट्स वो हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखा है और ये पर्टिकुलर कीवर्ड अपने आर्टिकल में इंसर्ट करा है, इसी वजह से ये गूगल चीज़ें हमको दिखा रहा है। अब ये गूगल को कैसे पता चलता है, ये गूगल चीज़ें कैसे दिखाता है, वो दिखाता है विद द हेल्प ऑफ देयर एल्गोरिथम, क्रॉलर्स, इंडेक्सिंग, जो चीज़ें हम आगे समझेंगे। तुम्हें अपने हर एक आर्टिकल में ये सारे कीवर्ड्स डालने हैं। कैसे कीवर्ड्स डालोगे, कौन से कीवर्ड डालने हैं, उसको ही हम कहते हैं राइटिंग SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। इसके बाद द प्राइमरी गोल ऑफ SEO इज टू इंक्रीज नॉन पेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। क्योंकि अगर तुम्हारे ये आर्टिकल SEO की हेल्प से गूगल में रैंक करने लगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को दिखने लगेंगे, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा गूगल एड्स में या लिंक बिल्डिंग में या प्रमोशन में। और इस तरीके से SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट की हेल्प से तुम फ्री में अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाओगे। इसीलिए आजकल जितने भी कंटेंट राइटिंग के रिक्वायरमेंट हैं वो सब SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग के रिक्वायरमेंट हैं और वो SEO कंटेंट राइटर को ढूंढते हैं। इसके बाद
why is SEO important? SEO is important because it increases the visibility, it provides more traffic and it is cost effective way. तुम्हारा पेज रैंक करता है SEO की हेल्प से तो ट्रैफिक ज़्यादा आता है और इसमें तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, तो इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट एंड इंक्रीजिंग योर वेबसाइट्स अथॉरिटी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बिकॉज इट टारगेट्स यूजर्स हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन. इसके बाद नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स. अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे तुम्हारा SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट गूगल को पता चलता है, वो पता चलता है विद द हेल्प ऑफ थ्री थिंग्स, क्रॉलर्स, इंडेक्सिंग एंड एल्गोरिथम्स. सबसे पहला आता है हमारा क्रॉलर. क्रॉलर क्या है? सर्च इंजन का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है टू एक्सप्लोर द वेब एंड फाइंड कॉन्टेंट. इसको हम स्पाइडर्स भी कहते हैं. दीज क्रॉलर्स विजिट वेब पेजेस, फॉलो लिंक्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच पेज. अब जब क्रॉलर्स के थ्रू तुम्हारा गूगल ने को समझ में आ गया कि तुम्हारे आर्टिकल में क्या है, नेक्स्ट स्टेप आता है इंडेक्सिंग का. इंडेक्सिंग द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय क्रॉलर्स इज कलेक्ट स्टोर्ड इन अ मैसिव डेटाबेस कॉल्ड एन इंडेक्स. द इंडेक्स इज अ जायंट लाइब्रेरी वेयर सर्च इंजन कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द वेब पेजेस दे नो अबाउट. ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें गूगल ने पूरे सारी दुनिया के सारी वेबसाइट्स का डेटा स्टोर करा हुआ है. नेक्स्ट इज एल्गोरिथम. सर्च इंजन यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, अ सेट ऑफ रूल्स टू एनालाइज द इंडेक्स पेजेस एंड डिटरमाइन विच वन आर मोस्ट रेलेवेंट टू अ यूजर्स सर्च क्वेरी. द एल्गोरिथम considers various factors such as keywords, page quality and user experience. Google को कैसे पता चलेगा? जो user ने query डाली है उसका ही उसको content दिखाना है. वो क्या करता है? काफी सारे ऐसे complex algorithm है जिनकी help से जो Google की indexing library है वहाँ से keywords का use करके, page की quality को देखकर और user experience को देखकर जो best pages हैं तुम्हारी search query के उसको दिखाता है तुम्हें. अब जैसे कि हम best laptops under 50,000 की बात कर रहे थे, तुम्हें वो ऐसा article दिखाएगा जो बहुत ही in-depth हो, जिसने बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 के बारे में बहुत सारी चीजें कवर कर रखी हो, जिसको काफी यूजर्स आके रीड कर रहे हो, वो वही पेज तुमको दिखाएगा. और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. नेक्स्ट थिंग इज द रोल ऑफ कंटेंट इन SEO. व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट हमारा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. कंटेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन योर वेबसाइट. इट कैन बी अ टेक्स्ट, इट कैन बी अ इमेज, इट कैन बी अ वीडियो और इट कैन बी अ इन्फोग्राफिक्स. और अगर हम टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट की बात करें, टेक्स्ट में हमारी ब्लॉग पोस्ट आ गई, आर्टिकल्स आ गई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गए, गाइड्स आ गई. और इमेजेस में तुम्हारी फोटोज, इलस्ट्रेशंस और इन्फोग्राफिक्स आ गए. वीडियोज में तुम्हारा ट्यूटोरियल्स, वेबिनार्स आ गए. इंटरैक्टिव चीज़ों में तुम्हारे क्विजेस, पोल्स और अदर इंटरैक्टिव मैप्स आर. नेक्स्ट कम्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, why is quality content important for SEO? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने आर्टिकल में सिर्फ SEO कीवर्ड्स डालें, उसका कंटेंट इतना अच्छा ना लिखें, तो क्या होगा? ऐसा करने से जब यूजर तुम्हारे पेज पर आएगा पढ़ने तुम्हारा आर्टिकल, उसको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और वो जल्दी से बाउंस बैक करके दूसरे पेज पे चला जाएगा. तो इसी को कहते हैं हम बाउंस रेट. रीडर ने तुम्हारे पेज पे टाइम स्पेंड नहीं करा, वो बहुत जल्दी वापस चला गया और गूगल एल्गोरिथम को ये सिग्नल कि तुम्हारा पेज का कंटेंट बहुत क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं था. और ऐसा करने से तुम्हारा जो पेज है वो पीछे के पेजेस में चला जाएगा, 10-20 पेजेस पे वो रैंक नहीं करेगा. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट क्वालिटी कंटेंट फॉर SEO. क्वालिटी कंटेंट मींस रेलेवेंट कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट दैट कैन अट्रैक्ट बैक लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट. यानी कि अगर तुम्हारा कंटेंट इतना अच्छा लिखा है कि दूसरे वेबसाइट्स भी तुम्हारे कंटेंट का लिंक अपने वेबसाइट्स पे दिखाने लगे, तुम्हारे कंटेंट का अथॉरिटी इतना अच्छा होना चाहिए. तो हमें रेलेवेंसी, एंगेजमेंट और अथॉरिटी तीनों पे ध्यान रखना होता है जब हम आर्टिकल लिखते हैं. जो हमारा कीवर्ड है उसी के अकॉर्डिंग रेलेवेंट आर्टिकल लिखे, एंगेजिंग आर्टिकल लिखे कि यूजर को इंटरेस्टिंग लगे और उसका क्वालिटी बहुत हाई करे. उसके बाद हाउ डज कॉन्टेंट सपोर्ट SEO स्ट्रेटजीज, कीवर्ड इंटीग्रेशन, रेगुलर अपडेट्स और यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू हम SEO स्ट्रैटेजीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं. यानी कि हम उसमें कीवर्ड डाल दें, आर्टिकल को रेगुलर अपडेट करते रहें और ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग इतनी अच्छी करें कि यूज़र को आर्टिकल पसंद आ जाए. और इसी तरीके से हम अपने कंटेंट को SEO के साथ अलाइन करते हैं. इसके बाद द नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटर्स के लिए, वो है कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस. एवरी कंटेंट राइटर शुड नो हाउ टू फाइंड कीवर्ड, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च एंड हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स इन टुडेज एरा. अगर तुम ये मॉड्यूल 2 अच्छे से समझ लो
तब ही तुम SEO कंटेंट राइटिंग कर पाओगे, तो इस पार्ट को स्किप मत करना। और अगर अभी तक का वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन व्हेन लुकिंग फॉर अ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 तुम्हारा एक कीवर्ड है। कीवर्ड हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट एंड मैचेस इट टू यूजर्स क्वेरी। जो भी तुम गूगल में सर्च करते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उसको ही हम कीवर्ड कहते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ कीवर्ड्स। तीन तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड LSI कीवर्ड्स। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या हुए, ऑल्सो नोन एज हेड कीवर्ड्स। दीज आर शॉर्ट जनरल फ्रेजेस विथ हाई सर्च वॉल्यूम एंड कॉम्पिटिशन, जैसे कि शूज। अब अगर हम अपने आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बेस्ट लैपटॉप हमारा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, या सिर्फ लैपटॉप हमारा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, और इन सारे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए कंपटीशन बहुत हाई होता है। लैपटॉप जैसे वर्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल लिखे होंगे, जैसे कि बेस्ट लैपटॉप्स इन इंडिया, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, सैमसंग लैपटॉप, डेल लैपटॉप। तो ये सारे आर्टिकल ने लैपटॉप वर्ड बहुत बार यूज करा होगा। इसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड, दीज आर लॉन्गर मोर स्पेसिफिक फ्रेजेस विद लोअर सर्च वॉल्यूम एंड हाई कॉम्पिटिशन। शूज के अगर रिगार्डिंग बात करें, वुमेन्स रनिंग शूज, शूज 8। सेम वे अगर हम लैपटॉप की बात करें, सो बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, बेस्ट लैपटॉप 50,000 i5 11 जनरेशन, बेस्ट लैपटॉप 50,000 विद i5 प्रोसेसर इन 16GB रैम, विद 16GB रैम इन पाकिस्तान, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 टका इन बांग्लादेश, इन BD 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000, लेटेस्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, टॉप 10 बेस्ट लैपटॉप। ये सारे तुम्हारे लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गए बेस्ट लैपटॉप के रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा LSI कीवर्ड और लेटेंट सिमनेटिक इंडेक्सिंग। अब ये कीवर्ड्स भी हमारे मेन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं एंड दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि अगर हम शूज के टर्म्स में बात करें, एथलेटिक फुटवेयर एंड रनिंग शूज, ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे कि शूज किस टाइप का है। तो शूज शॉर्ट टेल कीवर्ड, वुमेन्स रनिंग शूज लॉन्ग टेल। अब अगर हम लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पे डेल लैपटॉप्स, सैमसंग लैपटॉप्स, लैपटॉप्स इन इंडिया, ये सारे तुम्हारे लेटेंट हो गए, या लैपटॉप विद टच स्क्रीन, लैपटॉप विद ग्राफिक कार्ड, विद पेन, बैकलेट कीबोर्ड, i5 प्रोसेसर, सिम कार्ड स्लॉट, निविडिया ग्राफिक्स कार्ड, 32GB रोम, GPU एंड लैपटॉप विद बेस्ट बैटरी लाइफ। ये सारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे कि लैपटॉप में क्या क्या चीजें हैं, इसीलिए इनको हम लेटेंट सिमनेटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स या LSI कीवर्ड्स कहेंगे। एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये सारे तीनों तरीके के कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में डालने होते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई आर कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट। Keywords are important because they are search engine understanding. Keywords tell search engines what your content is about. It matches the user intent and it improves visibility of your overall website. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ये कीवर्ड्स को हम फाइंड कैसे करते हैं। इन कीवर्ड्स को हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड रिसर्च टूल। सबसे पहला है हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर, एक फ्री टूल। देन है हमारा SEMrush, उसके बाद है RFs। SEMrush RFs पेड टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर एक फ्री टूल है। तुम गूगल पे टाइप करना गूगल कीवर्ड प्लानर, यहाँ से इस लिंक पर जाना है और यहाँ पर साइन इन करना है। सेम ईमेल आईडी यूज करके साइन इन कर सकते हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है, 2-3 मिनट में तुम अपना गूगल एड्स पे अकाउंट बना पाओगे। जब तुम अपना गूगल एड्स का अकाउंट बना लोगे तो तुमको वो कुछ ऐसा सा दिखेगा। टूल्स के सेक्शन में जाके तुम्हें कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर तुम्हें टाइप करना है स्टार्ट विद कीवर्ड से, सपोज बेस्ट लैपटॉप। तुम अपने रिजल्ट फिल्टर कर सकते हो साइट से भी। अगर तुम्हें कोई वेबसाइट पता है जो कि तुम्हारे नीश में सबसे पॉपुलर है, तो उस वेबसाइट का लिंक यहाँ डाल के उनके भी कीवर्ड निकाल सकते हो। फिर तुम गेस्ट रिजल्ट्स पे जाओगे तो तुमको एक लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर कीवर्ड्स की। जैसे कि अगर मैं देखूं, बेस्ट लैपटॉप की मंथली सर्चेज हैं 10,000 to 1,00,000 और कॉम्पिटिशन इज हाई। उसके बाद गेमिंग लैपटॉप है, देन लैपटॉप डील्स, बेस्ट लैपटॉप 2022, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप 2023, चीप लैपटॉप्स, बेस्ट बाय लैपटॉप्स, गेमिंग लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज। तुम्हें ऐसे काफी सारे कीवर्ड दिख जाएंगे। तुम्हें इनमें से वो कीवर्ड दिखाना है जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो और साथ साथ कॉम्पिटिशन भी कम हो। ये देखो पूरे कीवर्ड की लिस्ट मिल गई। तुम यहाँ से अपनी सर्च को ब्रॉडन कर सकते हो और साथ साथ अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर
कीवर्ड यहाँ पर ऐड करना है उसको भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से तुम अपने कीवर्ड की लिस्ट निकालोगे। सेम वे अगर हम RFs की बात करें तो RFs पे अकाउंट बनाना होगा और ये एक पेड टूल है। RFs पे साइन इन करने के बाद तुम्हें कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाना है। फिर यहाँ पर जैसे ही तुम यहाँ पर अपना कीवर्ड डालोगे उसका तुम्हें सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक पोटेंशियल, ग्लोबल वॉल्यूम सब दिखने लगेगा। बट अगेन दिस इज अ पेड टूल। आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई सम फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल या तुम अपने क्लाइंट से अपनी कीवर्ड लिस्ट मांग लेना, दैट यू कैन ऑल्सो डू। उसके अलावा मॉज का एक फ्री SEO टूल है जो कि तुम यूज कर सकते हो टू फाइंड कीवर्ड। यहाँ पे आकर अकाउंट बनाना होगा, उसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा सा दिखेगा, फिर तुम डालोगे बेस्ट लैपटॉप और तुम अपनी कंट्री भी सर्च कर सकते हो। सपोज ये वाला आर्टिकल में कि बेस्ट लैपटॉप का है तो मैं इंडिया के लिए लिख रही हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सर्च इंडिया एंड देन आई विल एनालाइज। अब यहाँ पर इसका इसने सर्च वॉल्यूम दिखा दिया, डिफिकल्टी लेवल दिखा दिया और साथ साथ अगर हम सजेशंस पे जाएंगे तो हमें एक पूरी लिस्ट दिखा दी कीवर्ड्स की, बेस्ट लैपटॉप ब्रांड्स, लैपटॉप इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स की एक लिस्ट दिखा दी जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स में। सो इस तरीके से तुम्हें कीवर्ड्स निकालने हैं। उसके बाद मैंने ये पार्ट कवर कर लिया हाउ टू यूज दीज टूल्स इफेक्टिवली। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं कीवर्ड एनालिसिस, एनालाइजिंग सर्च इंटेंट, इंफॉर्मेशनल इंटेंट, यूजर्स आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, navigational intent, users are trying to find a specific website or page, transactional intent, users are looking to make a purchase. हर एक keyword का intent अलग होता है। Suppose किसी ने लिखा how to choose a best laptop, वो informational intent से article हुआ। Same way navigational intent हुआ best laptops in HP brand, कि HP brand के कौन कौन से laptop best हैं, वो एक navigational intent हुआ क्योंकि वो वहाँ से navigate करके HP का laptop buy करने जाएगा। और सेम वे ट्रांजैक्शनल इंटेंट यानी कि बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 कि उसको खरीदना ही खरीदना है तो वहां से वो चूज करेगा और फिर खरीदने जाएगा। सो यू हैव टू चूज द राइट कीवर्ड्स फॉर योर कंटेंट। योर कीवर्ड शुड बी रेलेवेंट, इट शुड हैव अ हाई सर्च वॉल्यूम, द कॉम्पिटिशन शुड बी लो एंड यू शुड यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन योर कॉन्टेंट। ये सारी बातें हो गई कीवर्ड्स की। अब हम बात करते हैं थर्ड मेन चीज, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हमारा आता है कॉन्टेंट स्ट्रक्चर, हमारी हेडलाइंस H1, H2, H3 और साथ साथ हमारी हेडलाइंस को कीवर्ड रिच और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे जब हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरीके की हेडलाइन चूज करनी है और हेडलाइंस तुम SEO ऑप्टिमाइज कैसे करते हो। साथ साथ मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल टैग। मेटा डिस्क्रिप्शन आर शॉर्ट समरीज दैट अपीयर बिलो द हेडलाइन इन सर्च रिजल्ट्स, दे प्रोवाइड यूजर्स विद अ प्रीव्यू ऑफ योर कंटेंट। ये जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, जैसे ही तुमने बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 डाला, टुडे यू कैन फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्रीमियम लैपटॉप्स, HP लैपटॉप्स अंडर 50,000, ये इनको हम कहते हैं हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि यूजर को दिखते हैं सर्च करने के बाद। टाइटल टैग्स आर HTML एलिमेंट्स दैट डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वेब पेज, दे अपीयर एज क्लिकेबल हेडलाइंस इन सर्च इंजन रिजल्ट। टाइटल टैग्स क्या हुए, टाइटल टैग्स हमारे लिंक में, अगर तुम देखो यहाँ पर लैपटॉप अंडर रुपीज कुछ दिख रहा है, यहाँ पर लैपटॉप अंडर 50,000, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी, ये जो हमारा इसका URL है इसमें लैपटॉप्स अंडर 50,000 एडेड है, ये हमारे टाइटल टैग्स हो गए। हमें इन टाइटल टैग्स को भी ऑप्टिमाइज करना होता है, हमें कंपेलिंग SEO ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शंस और टाइटल टैग्स डालने होते हैं ताकि अगेन हमारा आर्टिकल सर्च रिजल्ट्स में दिखे। उसके बाद हम SEO फ्रेंडली कॉन्टेंट लिखते हैं, राइटिंग फॉर ह्यूमंस एंड सर्च इंजन, और हम कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर डालते हैं। SEO फ्रेंडली कॉन्टेंट कैसे लिखते हैं, अगेन हम इस चीज को लास्ट मॉड्यूल में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जहां मैं तुम्हें एक आर्टिकल लिखकर दिखाऊंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, हमें अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, वो सारी चीजें भी मैं करके दिखाऊंगी। उसके बाद मल्टीमीडिया एंड SEO, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अपने आर्टिकल में अगर देखें तो इमेजेस भी यूज करते हैं, वीडियोस भी यूज करते हैं, इंफोग्राफिक्स भी यूज करते हैं। जो विजुअल कॉन्टेंट होता है एनहांसेस द अपील ऑफ योर वेबसाइट एंड एंगेजेस यूजर मोर इफेक्टिवली, ऑप्टिमाइजेस images by using descriptive file names, alt tags and captions that include relevant keywords. जब भी तुम अपने आर्टिकल में कोई भी इमेज डालोगे तो उसका जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिखना होगा वो एक कीवर्ड होनी चाहिए, और साथ साथ तुम्हें अपने लैपटॉप पे वो पर्टिकुलर इमेज सेव करनी है अगेन विद अ कीवर्ड, ताकि अगेन गूगल के एल्गो को सिग्नल मिले कि तुम्हारा आर्टिकल किस बारे में है। तो अगर कोई इमेजेस सर्च करता है तो इमेजेस में जाकर तुम्हारा ये आर्टिकल रैंक हो। ये सारा काम हमारा SEO content
कंटेंट राइटर्स का नहीं होता, बट इट इज ऑलवेज गुड टू नो। इसके बाद आती है ऑफ पेज स्ट्रेटजी। अब सबसे पहली चीज है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग हाइपर लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर ओन। दीज लिंक एक्ट एज अपवर्ड्स फॉर योर साइट इन द आईज ऑफ सर्च इंजन, इंडिकेटिंग इट्स क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती है। सपोज कल तुमने कोई एक नया चिप्स बनाना शुरू करा, तुम अगर वो चिप अपने घर पे रखोगे और लोग आएंगे तो लेंगे, इस तरीके से वो सेल नहीं होगा। बट अगर वो तुम सेम चिप्स का पैकेट जाकर बिग बाजार पे, रिलायंस में या तुम्हारे आसपास जो भी पॉपुलर ग्रोसरी शॉप है वहां पर रखा, जितने भी लोग आएंगे वो उसको खरीदेंगे क्योंकि उनको एक इंडिकेटर मिलेगा, अच्छा चलो एक अच्छी शॉप में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये चिप्स का पैकेट अच्छा होगा। सेम वे हमें लिंक बिल्डिंग करनी होती है। हमें अपनी वेबसाइट पे जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट होती है हमारे नीश में जो कि ऑलरेडी रैंक कर रही है उनके लिंक्स डालने होते हैं, ताकि अगेन गूगल को लगे कि अगर इस न्यू वेबसाइट को किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट ने लिंक दिया है तो ऑब्वियसली इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, इसकी कुछ क्वालिटी होगी। इस तरीके के हाइपर लिंक्स को तुम फाइंड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पे, जैसे कि ये ब्लू वर्ड्स, ये जो ब्लू वर्ड्स होते हैं अगर तुम इन पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हें दूसरी वेबसाइट पे ले जाएंगे या अपनी सेम अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज पे। इसी प्रोसेस को हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। लिंक बिल्डिंग अगेन कंटेंट राइटिंग का पार्ट नहीं है। अगर तुम अपना ब्लॉग लर्न करते हो तो यू शुड डेफिनेटली डू लिंक बिल्डिंग फॉर योर ब्लॉग। इन्हीं सारे लिंक्स को हम बैक लिंक्स कहते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे नेचुरल लिंक्स। नेचुरल लिंक्स एक्वायर्ड ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम द वेबसाइट ओनर। दीज आर टिपिकली अर्नड थ्रू हाई क्वालिटी कंटेंट दैट अदर्स फाइंड वैल्यूएबल। किसी को तुम्हारा कंटेंट अच्छा लगा तो उसने तुम्हारा कंटेंट का लिंक अपनी वेबसाइट में डाल दिया, ये नेचुरली हो गया। मैनुअल लिंक्स, लिंक अक्वायर्ड थ्रू डिलीबरेट आउटरीच एफर्ट्स सच एज गेस्ट पोस्ट, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन और डायरेक्ट सबमिशन। इसके अलावा तुम्हें मैनुअली जाके लिंक बनाने हो सकते हैं, तुम्हें गेस्ट पोस्ट लिखनी हो सकती है किसी वेबसाइट पे, या किसी वेबसाइट को थोड़ा पे करके उनकी वेबसाइट पे अपना लिंक डालना होता है, उनको हम कहते हैं मैनुअल लिंक बिल्डिंग। उसके बाद सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स, लिंक्स क्रिएटेड बाय वेबसाइट्स ओनर्स थ्रू एक्टिविटीज लाइक फोरम पार्टिसिपेशन, ब्लॉग कमेंसिंग और सोशल मीडिया प्रोफाइल। अब सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी तुम्हें काफी सारे लिंक मिलते हैं। इन सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स को क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका और जगह है कोरा और रेडिट। अगर मैं कोरा पे जाकर देखूं, एक क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू परचेज अ लैपटॉप, विच लैपटॉप इज बेस्ट, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट दिख जाएंगे जो कि अपनी वेबसाइट्स का लिंक दे रहे होंगे। जैसे कि ये सपोज यहाँ पर जो ये ब्लू वाला है, ये जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमें इनकी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ये आर्टिकल था होस्टिंगर के बारे में, ब्लॉग के बारे में, तो ये हमें होस्टिंगर पे लेके चला गया। तो ये लिंक्स तुम खुद क्रिएट कर सकते हो कोरा पे रिलेटेबल क्वेश्चंस आंसर करके, या रेडिट पे, या जितने भी फोरम्स होते हैं उन पे रिलेटेबल क्वेश्चंस आंसर करके। उसके बाद हमारा ऑफ पेज एसईओ में आता है कंटेंट प्रमोशन। लिंक बिल्डिंग समझ लिया, कंटेंट प्रमोशन यानी कि तुम सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज यूज करोगे, कंटेंट को शेयर करोगे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे और एनकरेज करोगे कि तुम्हें वहां से सोशल मीडिया एंगेजमेंट मिले। देन सोशल बुकमार्किंग, सबमिटिंग योर कंटेंट टू सोशल बुकमार्किंग साइट्स लाइक रेडिट, स्टंबल अपॉन, डिग टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस एंड पोटेंशियली अर्न बैकलिंक। उसके अलावा गेस्ट ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसर आउटरीच। गेस्ट ब्लॉगिंग मतलब तुम किसी दूसरी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखोगे जिसमें अगेन तुम अपनी वेबसाइट का एक लिंक डाल दोगे, उसको हम कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग। इन्फ्लुएंसर आउटरीच मतलब कि तुम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनको कॉन्टैक्ट करोगे, उनको कहोगे कि अपने वीडियो में या अपने ब्लॉग पे तुम्हारी वेबसाइट का लिंक डाले, तुम्हारी वेबसाइट के बारे में बात करें। नेक्स्ट चीज आती है टेक्निकल एसईओ एंड बेसिक्स। इसमें तुम्हारा कवर होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर एसईओ, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, पेज स्पीड एंड एसईओ। ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, इन डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एसईओ कॉन्टेंट राइटिंग का पार्ट नहीं है। साइट का स्ट्रक्चर मतलब कि साइट आर्किटेक्चर रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट्स कंटेंट इंक्लूडिंग नेविगेशन, यूआरएल्स एंड इंटरलिंकिंग, यानी कि तुम्हारी साइट कितनी अच्छी और कितनी इजी टू नेविगेट दिखती है, लोग कितना इजी वन पेज से अनदर पेज पे स्क्रॉल कर सकते हैं। देन यूजिंग साइट मैप्स एंड रोबोट्स TXT files. Site maps क्या होते हैं? XML site maps provide search engines with a roadmap of your website's pages, helping them discover and index new content. Then mobile optimization. अब बहुत लोग मोबाइल पे भी आजकल कंटेंट पढ़ते हैं, तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो तुम्हारा कंटेंट है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करना है। साथ साथ पेज स्पीड एंड एसईओ, तुम्हारा वेबसाइट पेज कितनी जल्दी ओपन हो जाता है, अगर देर से ओपन होता है तो अगेन गूगल का एल्गो उसको पीछे भेज देता है, उसको रैंक नहीं कराता। अब इन सारी चीजों को तुम बहुत सारे टूल्स की मदद से मेजर कर सकते हो, गूगल पेज स्पीड इनसाइट, जीटी मैट्रिक, पिंग डॉम, ऐसे काफी सारे टूल हैं। ये सारी चीजें हो गई टेक्निकल एसईओ की, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग। अगेन अब हम लास्ट मॉड्यूल पे आते हैं जो कि सबसे मेन है और आई एम वेरी श्योर लोगों को इसका ही इंतजार है, हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट।
सबसे पहला स्टेप आता है रिसर्च एंड प्लानिंग। हमें कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। इसके लिए हम सबसे पहले कीवर्ड्स को निकालेंगे। सपोज हम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, 5 simple ways ऑफ यूजिंग गोंद कतीरा इन समर। आजकल समर सीजन है, गोंद कतीरा एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है टू बी यूज्ड इन समर। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा मेन कीवर्ड क्या, इस आर्टिकल का मेन कीवर्ड क्या है। ये हमारी आर्टिकल की हेडिंग है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मेन कीवर्ड क्या है। मेन कीवर्ड है हमारा इस आर्टिकल का, जो कि हमें रैंक करवाना है, वो है गोंद कतीरा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे लॉन्ग टेल एंड LSI कीवर्ड। गूगल पे गए, टाइप करा गोंद कतीरा बेनिफिट्स, गोंद कतीरा इन कन्नडा, साइड इफेक्ट्स इन इंग्लिश, यूजेस खाने के फायदे, ट्री इन तमिल नेम। ये सारे कुछ इसके मेन कीवर्ड्स हैं। गोंद कतीरा बेनिफिट्स फॉर फीमेल्स। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू तुम गूगल का जो सर्च रिजल्ट्स है उसको भी यूज करना, गोंद कतीरा टाइप करना। तुम्हें ड्रॉप डाउन में चीजें कीवर्ड दिख जाएंगे, बी टाइप करोगे तो तुम्हें अलग कीवर्ड्स दिखेंगे, ए टाइप करोगे तो तुम्हें अलग कीवर्ड्स दिखेंगे, सी टाइप करोगे तो तुम्हें अलग कीवर्ड्स दिखेंगे। इस तरीके से अगर तुम्हें पेड टूल यूज़ नहीं करना, तुम फ्री टूल यूज़ करके भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो। उसके अलावा मॉज पे मैंने जब गोंद कतीरा डाला तो मुझे इतने सारे ऑलरेडी कीवर्ड्स मिल गए। मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लूँगी डाउनलोड एज CSV। अब ये देखो मैंने मोस्ट फ्री टूल यूज़ करके ये सारे कीवर्ड्स निकाले, गोंद कतीरा फॉर वेट लॉस, गोंद कतीरा फॉर हेयर, बेनिफिट्स फॉर मेल, फॉर डायबिटीज़, जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। कितनी बड़ी लिस्ट मिल गई मुझे, इसमें 1000 के ऊपर कीवर्ड्स हैं। सॉर्ट आउट करके जिसमें तुम्हें जो तुम्हें रेलेवेंट लगे, जिसमें तुम्हें लगे जो तुम आर्टिकल में ऐड कर सकते हो उसको यहाँ पर लिख लेना। मैंने एक लिस्ट बना दी। अब हमने कीवर्ड्स की बात समझ ली, अब हम बात समझते हैं कि हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे अपने आर्टिकल को। इसके लिए मैं यहाँ पर ChatGPT का यूज करूंगी। आई विल टाइप राइट एन आउटलाइन स्ट्रक्चर फॉर अ ब्लॉग पोस्ट विद द टाइटल 5 simple ways ऑफ यूजिंग गोंद कतीरा, ट्राई एड इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ऑल्सो एड मोस्ट सर्च क्वेरीज ऑन द इंटरनेट रिलेटेड टू द आर्टिकल। अब ये देखो इसने हमें एक आउटलाइन बना दी जिसमें सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन जाएगा, देन व्हाट इज गोंद कतीरा, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स, सारी चीजें। हम इस आउटलाइन को यहाँ कॉपी कर लेंगे और एक एक करके एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर न्यूट्रिशनल एंड हेल्दी बेनिफिट्स, व्हाई इट इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल इन समर, और यहाँ पर रेसिपीज। अब हमें क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है रेसिपी का है, जैसे कि गोंद कतीरा बेनिफिट्स फॉर हेल्थ, गोंद कतीरा बेनिफिट्स फॉर वेट लॉस, ये सारी चीजें हम इन रेसिपीज में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि गोंद कतीरा फॉर वेट लॉस वाला कीवर्ड हम कोल्डिंग ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं, और हेल्दी स्मूदीज के लिए भी हम गोंद कतीरा बेनिफिट्स फॉर स्किन में ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजों को क्लेवरली ऐड कर सकते हैं। अब ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताया है आउटलाइन का, तुम इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, और साथ साथ एंड में ये जो मोस्ट सर्च क्वेरीज रिलेटेड टू द आर्टिकल है इसको यहाँ हटा के यहाँ पर डालना FAQs, और इन सारी चीज़ों को ऐड करना, जैसे कि हाउ टू यूज गोंद कतीरा, सिंपल गोंद कतीरा डेजर्ट रेसिपीज, ये नहीं, गोंद कतीरा साइड इफेक्ट्स, एक तुम FAQ डाल सकते हो, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ गोंद कतीरा, तुम्हारा ये एक कीवर्ड ऐड हो गया। तो तुम्हें स्मार्टली उन कीवर्ड्स को भी ऐड करना है जो कि तुम यूज नहीं कर पाओगे आर्टिकल के मेन कंटेंट में, बट टू सपोर्ट योर आर्टिकल यू हैव टू पुट देम इन FAQs, और यू कैन इवन ऐड मोर सेक्शंस। ये मुझे इसका आउटलाइन अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगी तो एक और दो चीजें और ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि गोंद कतीरा बेनिफिट और मेन सेक्शन एंड गोंद कतीरा बेनिफिट्स फॉर वुमेन, ये दो सेक्शन भी मैं ऐड करूंगी इसमें, ताकि मेरे आर्टिकल और भी SEO ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। तो ये तुम्हें इस तरीके से आउटलाइन लिख लेना है। आउटलाइन लिखने के बाद तुम्हें बहुत ध्यान रखना है अपने आर्टिकल की फर्स्ट 3 lines पे। Hi CTR, 80 words introduction for this article. Start, then emotion. मैंने ये एक ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया तो इसने हमें एक इंट्रोडक्शन लिख दिया। अगर मैं ChatGPT का ये इंट्रोडक्शन पढ़ूं, फीलिंग द स्कॉर्चिंग समर हीट एंड लुकिंग फॉर अ रिफ्रेशिंग वे टू कूल डाउन, डिस्कवर द मैजिक ऑफ गोंद कतीरा, दिस नेचुरल वंडर नॉट ओनली बीट्स द हीट बट ऑल्सो पैक्स अ पंच विद इट्स इनक्रेडिबल बेनिफिट्स फ्रॉम रिविटलाइजिंग ड्रिंक्स टू कूलिंग डेजर्ट, गोंद कतीरा इज अ परफेक्ट समर कंपेनियन, डाइव इन टू आर 5 simple एंड डिलीशियस वेज टू इनकॉर्पोरेट गोंद कतीरा इन टू योर समर रूटीन एंड एंजॉय अ कूलर हेल्दियर सीजन। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे विथ अ पेन पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर है फीलिंग द स्कॉर्चिंग हीट एंड लुकिंग फॉर अ रिफ्रेशिंग वे टू कूल डाउन, इट्स अ
इमोशन इट्स अ प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग. उसके बाद हम उसका सोल्यूशन बताएंगे कि इसका सोल्यूशन है गोंद कतीरा और तुम्हें वो कैसे बेनिफिट करेगा. उसके बाद हमने बताया है कि हम आर्टिकल में क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन में तुम्हें तीन चीज़ें कवर करनी है. सबसे पहला है पेन पॉइंट, सेकेंड है उसका सोल्यूशन एंड थर्ड है कि तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो. सेम तरीके से तुम्हें इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये सारी रेसिपीज अपने आप से लिख सकते हो या चैट जीपीटी से भी पूछ के लिखवा सकते हो अकॉर्डिंगली, बट इंट्रोडक्शन इसी तरीके का लिखा जाएगा. फिर हमें ये सारी चीजें फिल करनी है और एक तुम्हें वो भी करके दिखा देती हूँ जिसे गोंद कतीरा बेनिफिट्स फॉर मेन. हमने ये डाला तो अगेन हमें एक पैराग्राफ लिख के मिल जाएगा. हम यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएंगे, साथ साथ गोंद कतीरा बेनिफिट्स पे जाएंगे और देखेंगे लोगों ने क्या क्या लिखा है, उनकी चीजें चेक करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे हमने ठीक लिखा है कि नहीं और बाकी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे. उसके अलावा तुम्हें एक और चीज का ध्यान देना है. जब भी तुम कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो उस आर्टिकल का लेंथ तुम्हारे कॉम्पिटिटर आर्टिकल से 5-10% मोर होना चाहिए. तुम यहाँ पर टाइप करना गोंद कतीरा बेनिफिट्स, एक एक करके सारे आर्टिकल्स को चेक करना, देखना किसने क्या गलती कर, किसने क्या लेंथ लिखी है और उससे 10% बढ़ा देना. उसके अलावा जब तुम पूरा आर्टिकल लिख लेना तब तुम्हें दो टूल्स का यूज करना है. सबसे पहले है हमारा हेमिंगवे ऐप एडिटर जो कि तुम्हें तुम्हारे आर्टिकल का रीडेबिलिटी स्कोर बताएगा. ये बताएगा कितने डिफिकल्ट हार्ड टू रीड सेंटेंसेस हैं, क्या ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ से करेक्ट कर लेना. उसके बाद एक और टूल का यूज करोगे जिसका नाम है चैट जीपीटी जीरो. क्योंकि हम यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हैं तो हमें एक AI डिटेक्टर टूल का यूज करना है टू मेक श्योर हमारा कॉन्टेंट AI जनरेटेड ना लगे. जीपीटी जीरो पे जाकर यहाँ पर अपना आर्टिकल पेस्ट करना, तुम्हें वो ओरिजिन बता देगा, वो तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हारा आर्टिकल कितना ऑथेंटिक है, कितना AI जनरेटेड है. एंड यू कैन यूज दिस टेक्निक टू एनालाइज योर कॉन्टेंट. सो दैट्स इट, दिस वॉज अ कम्प्लीट ट्यूटोरियल ऑन SEO कॉन्टेंट राइटिंग. और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर इट विद पीपल हु रियली वॉन्ट टू लर्न कॉन्टेंट राइटिंग.